इधर पंचायत चुनाव बचाव के सभी सदस्य बताइए आप लोग किस चीज़ को लेकर आज मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं गुर्जर गाँव से। आज ये जो हमारी एक बैठक तमाम क्षेत्रवासियों की जो हुई है वो उस विषय पर को लेकर जो 2015 में सपा सरकार रही थी उन्होंने हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के पंचायत चुनाव 207 गांवों के पिछली बार ख़त्म कर दिए थे। उस पर संघर्ष करने के बावजूद भी उन लोगों की किसी भी गांवों की कोई समस्या हल नहीं हुई, ना ही हमारे पंचायत चुनाव बहाल हुए। उसको देखते हुए कुछ दनकौर से पूर्व में भी पंचायत चुनाव हुए, प्रधानी हुए, होने के बाद उनको व्यवस्था नहीं दिए गए। फिर लोग विधानसभा चुनाव जब हमारे यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद महेश शर्मा, उन्होंने कई बार मंच के द्वारा कही है और पेपरों के द्वारा भी कही है, अगर हमारी भाजपा सरकार बनती है तो हम पंचायत चुनाव बहाल कराने का काम करेंगे। इस सरकार को भी लगभग 2 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं, आज तक इस जिले की कोई सुध नहीं ली है, ना ही पंचायत चुनाव को लेकर आज तक कोई चर्चा हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने की है। इससे किस तरीके की आप लोगों को दिक्कत का सामना पड़ता है, करना पड़ता है? अगर बात करें कि पंचायत चुनाव नहीं होते तो किससे किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें पूरे गांव को ये आती है कि हर गांव में 1 या 2 आदमी ऐसे सक्षम होते हैं जिनके अधिकारी लोगों से बात होती है, जिनकी हमारे यहाँ के विधायकों से बात होती है, सांसदों से बात होती है, वो अपने खुद के स्वयं अपने व्यक्तिगत संबंधों के हिसाब से काम कराने का काम करते हैं गाँव में, अपने घर में। और जो बाकी गाँव के लोग होते हैं उन्होंने कहा, मैंने देखा है हमारे गाँव तुगलपुर में, देख लो बाकी बहुत से गाँवों में मैंने भी जाके सर्वे किया है, मैंने वहाँ देखा है कि अगर नालियाँ टूटी हुई है और अच्छे रोड वहाँ बने हुए हैं तो नाली बनाने का काम प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है। रोज रोड बना हुआ है वो टूटने की कगार पर है, क्योंकि सक्षम लोग अपना ही काम करा सकते हैं, गांव का काम नहीं करा रहे हैं। तो गांव के लिए एक जनप्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा नाम जतन सिंह भाटी है, एक किसान एक प्रसंघ का प्रदेश का अध्यक्ष, और जैसा भी हमारे भाई मोनू ने बताया कि पूरे देश में केवल एक गौतम बुद्ध नगर जिला ऐसा है जहां पंचायत चुनाव नहीं हो रही, जहां स्थानीय प्रतिनिधि नहीं है, जहां गांव में जो लोगों की समस्या सुनने वाले जो लोग हैं वो नहीं है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान PDC, जो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो 205 जो गाँव हैं उनकी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं होती हैं जो सीधे पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनके द्वारा संचालित की जाती हैं, जैसे गांव में किसी की आय बढ़नी है, जाति बढ़नी है, किसी का वेरिफिकेशन होनी है, तो जो यहाँ जो हमारे क्षेत्र के जो आम लोग नागरिक हैं वो बहुत परेशान हैं। और ये समाजवादी सरकार जब थी, हम आपको बता दें कि ये 2000 में ये अध्यादेश आया था जब बाबू ऊधम सिंह यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और नवाब सिंह नागर यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब जनता का विरोध हुआ तो उन्होंने उस अध्यादेश को स्थगित ना करके उसे यथास्थिति बना दी, वहाँ स्टे हाउस पर ले आई। लेकिन ये दोबारा हमारे बीच के लोगों ने, हमारे जो हम कह सकते हैं कि जैचन जो हमारे क्षेत्र के थे, उन्होंने वो अध्यादेश दोबारा खुलवाया और उसी के आधार पर ये पंचायत चुनाव यहाँ ख़त्म हुआ। और यह तब से ही हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, तमाम हमारे साथ ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों तक जेल में रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव लागू हो, पंचायत व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चले। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इस मांग पर ध्यान देगी। कहीं से बात करने के लिए आपको बात बताएँ।